भी चल रहा है दिबांग, आप कैसे देखते हैं प्रभु जो कह रहे हैं? सड़कों पर तो लोग नहीं उतर रहे हैं, पर एक तरफ वॉशिंग मशीन, उसके भी साक्ष्य हमारे सामने हैं, और दूसरी तरफ ऑपरेशन क्लीन भी हो रहा है, इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता है। आम आदमी इसे कैसे देख रहा है? आपने अभी तक जो नब्ज टटोली, आपने क्या पाया? देखिए, आम आदमी के बजाय मैं कुछ खास आदमियों के बारे में बताऊं। जो बात प्रभु कह रहे थे कि इन लोग डिफेंसिव हैं, यानी पिछले एक हफ्ते में मैंने दो बड़े मंत्रियों के इंटरव्यू किए, राजनाथ सिंह का और नितिन गडकरी का। दोनों से जब ये पूछो कि भाई जो केजरीवाल वाला मामला है और फार्मा का जिसका आपने जिक्र किया, या डीएलएफ जैसी कंपनी थी कि सीबीआई रेट से पहले कुछ भी नहीं देते थे, सीबीआई रेट के बाद उन्होंने बॉन्ड खरीदे, बीजेपी को दिए, सीबीआई के रेट से बाहर निकले। हां, लगभग 2500 करोड़ रुपए ऐसे हैं जिन पर रेड हुई, उन्होंने दिया है 8200। ऐसी कंपनियों ने पैसा दिया जो जीरो लॉस, जो कोई प्रॉफिट नहीं करती थी, और उन्होंने जाके आके फंड दिए। कई कंपनियां ऐसी हैं जो केवल बनी इसलिए जिन्होंने फंड दिए और कुछ नहीं किया। तो सवाल यह है कि साफ दिखाई दे रहा है, एक कंपनी जो मैंने सवाल भी पूछा कि भाई मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो कंपनी है, गडकरी साहब से मैंने पूछा कि आपका मंत्रालय उन्हें कॉन्ट्रैक्ट देता रहा, वो वहां दान देते। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति जो जाने माने अर्थशास्त्री हैं, वो तो ये कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ा घोटाला है आजाद भारत का। जी हाँ, बिल्कुल वो कह रहे हैं, और कोट करना जरूरी है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी। पर मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप दूसरी तरफ से देखें इन एजेंसीज को, जरा एक क्लोजअप में देखें, आप ये देखिए, आलोक वर्मा सीबीआई के डायरेक्टर रहे, और ये कहा गया कि साहब ये राफेल का जो घोटाला हुआ कथित, उसकी जांच की कुछ तैयारी कर रहे हैं। रातों रात उनका ऑफिस सीज हुआ, उनको हटाया गया, उनके एक जूनियर को बनाया गया उनकी जगह पर, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिस्टोर किया, और तब ये अपॉइंटमेंट के लिए कमेटी होती थी जिसमें एलओपी, जस्टिस सीकरी यानी प्रधानमंत्री खड़गे साहब और जस्टिस सीकरी ने फैसला किया कि नहीं, इनको रीइंस्टेट करवाना चाहिए। रीइंस्टेट जब हुए उसके बाद उनके पास कुछ ही दिन बचे थे। एक तो ये हो गया, दूसरा आप एक और अधिकारी देखिए, संजय मिश्रा ईडी के डायरेक्टर, उनका कार्यकाल रखा गया नवंबर 2018 से 2020 के बीच में। उन्होंने जब कार्यकाल खत्म होने वाला था वो एक साल और बढ़ा दिया गया। कैसे बढ़ाया, कितना इंटरेस्टिंग है, उन्होंने जो अपॉइंटमेंट की डेट थी उसको एक साल आगे ले आए, वो तो एक साल और बढ़ गया। इस पर बड़ा हल्ला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आपने ये जो किया है ये क्यों किया? तो सरकार ने कहा बहुत जरूरी काम कर रहे थे ये, इसलिए किया। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है बहुत ही रेयर केसेस में करें, और इनके साथ अब दोबारा ना करें। और फिर क्या हुआ, टर्म खत्म होने के 5 दिन पहले सरकार ने क्या किया, सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई, क्या कहा उसमें कि अब हम ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर्स के कार्यकाल को एक साल बढ़ा सकते हैं, और ये हम 5 बार कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आप कर क्या रहे कि आपने 5 बार बढ़ाने का जिम्मा ले लिया, लगातार अभी भी मौजूद हैं? नहीं, वो रिटायर हो गए। हाँ, रिटायर हो गए वो, और वो जब रिटायर हुए उसमें फिर मामला फंसा। हाँ, इन लोगों ने अक्टूबर तक टाइम दिया था, उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा कि नहीं। हाँ, तो 2023 सितंबर 15-16 तारीख की रात के बाद ये नहीं रहेंगे। हाँ, कौन है ये अधिकारी? हाँ, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोरेन साहब, डीएमके के कई नेता, डीएसके जो कर्नाटक के बड़े नेता, डीके शिव कुमार, इन सबके मामलों को ये संभालते थे, बहुत मुस्तैद नेता, बहुत। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी जो कर रहे हैं इन मामलों की, वो तैयारी भी खासी तैयारी है। नहीं, तैयारी खास है, पर जो आखिर में तो पूछा, आपके पास कोई अधिकारी नहीं है? और कोई अधिकारी नहीं है क्या? यही बचे हैं क्या? उसमें भी 2023 का जो आप जिक्र कर रहे हैं, दिसंबर तक वो कंटिन्यू करवाना चाह रहे थे, करवाना बावजूद सुप्रीम कोर्ट की लगातार इंटरवेंशन। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप वो क्या दिखाता है, मैं सिर्फ ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ, ये दिखाता है कि किस तरीके से तैयारी है उनकी, पब्लिक में कहने के बावजूद। अब आप पब्लिक में जो गूंज की बात है, देखिए जो ये प्रभु ने भी बात कही कि पब्लिक में नेता जरूर कुछ थोड़े से अनसेटल लग रहे थे, और आपने देखा होगा दोनों इंटरव्यू अनसेटल लग रहे हैं। मैं अपने इंटरव्यू की पब्लिसिटी भी कर रहा हूं, वो तो आपकी आदत है। नितिन गडकरी का इंटरव्यू दोबारा चलेगा चैनल पर, वो जरूर देखिएगा। कभी हमारे इंटरव्यू की भी थोड़ी पब्लिसिटी कर दीजिए, मैं जरूर, आपकी तो बहुत पब्लिसिटी वैसे। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए मैं ये कह रहा हूं एक बड़ी बात, कि आप ये जो कह रहे हैं कि पब्लिक में वो बात नहीं है, पब्लिक में ये बात कौन करेंगे, पब्लिक को सही सरल भाषा में ये कौन बताएंगे? आप अगर पार्टी बना लेते तो बात दूसरी थी, पर पब्लिक में कौन है जो इसको हिंदी में सरल भाषा में समझा सके? क्या राहुल गांधी सरल भाषा में इस चीज को लोगों को समझा सकते हैं? मैं आपको कहता हूं कि नहीं समझा सकते हैं। ये प्रॉब्लम है क्या? भाषा नहीं है उनके अंदर, वो शब्द नहीं है, ये ऐसे नेता नहीं है जो इसको कम्युनिकेट कर सके। देखिए, इस तरह के नेता होते थे, कौन होते थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह, वो एक पर्ची लेकर, पर्ची कभी दिखाया ही नहीं। कितने सलीके से इनके हमने इंटरव्यूज किए हुए हैं, इनकी रैलियां हमने कवर की हुई हैं, कितने सलीके से बात करते थे, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को वो बातें समझ में आती थी, वो कम्युनिकेटर नहीं है। उधर प्रधानमंत्री अंत में एक बात की, इतनी अच्छी तरीके से, इतनी मजबूती से अपनी बात कहते हैं कि आप उस पर विश्वास करते हैं, वैसा नहीं है।